हेलो फ्रेंड्स, साना किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मावा गुजिया की रेसिपी। तो देखिए, होली आने वाली है तो हर घर में गुजिया बनती है और ये गुजिया बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी और इतनी क्रिस्पी है कि मैं बता नहीं सकती कि लग ही नहीं रहा कि ये हमारी घर की गुजिया है, बिल्कुल लग रहा है बाजार की गुजिया है। और ये कैसे क्रिस्पी करती है तो वो मैं आपको बताऊँगी इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करती हैं अपनी मावा गुजिया बनानी। देखिए, गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने डो को तैयार करेंगे। तो डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये क्लीन बाउल ले लिया है और इसके अंदर में हमने डालना है ये मैदा। एक बाउल मैंने मैदा लिया है और बसन में देखें तो ये 200 ग्राम मैदा है। तो इसके अंदर में हमने डालनी है 2 चम्मच ये सूजी। तो मैंने ये जिससे हम खाना खाते हैं तो वही चम्मच मैंने ली है, छोटा चम्मच है। तो इसके अंदर हमने डाल दी है 2 चम्मच सूजी और इसके अंदर डालना है हमने ये ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर में घी डाल सकते हैं। तो ये मैंने बड़े 2 चम्मच लिए हैं और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए, ऑयल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदा में। अब अपने देखते हैं कि मैदा में हमने जो मोइन डाला है किस तरह से पड़ा है। तो देख सकते हैं कि इसका ये लड्डू बन रहा है। इसका मतलब है कि जो मोइन लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर में हमने डालना है 1 पिंच नमक, क्योंकि नमक हम ये जो मीठा कुछ भी बनाते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा एक चुटकी हमने नमक डाल देते हैं इसमें। इससे क्या है कि हमारे काफ़ी अच्छी टेस्टी हमारी गुजिया बनेंगी। और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बनाएंगे, सॉफ्ट डो बनाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने बनाना है। देखिए, बहुत ही मज़ेदार से हमारा डो तैयार हो रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाएंगे। देखिए, हमने अपनी मैदा को गून लिया अच्छे से, ये डो बिल्कुल अच्छे से गून गया है। तो इसके लिए हमने कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। देखिए, जब तक हमारा ये डो रेस्ट पे है हम मावे की तैयारी कर लेते हैं। तो मावा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने ये क्लीन बाउल लिया है और इसके अंदर में हमने 250 ग्राम ये मैंने मावा लिया है और इसको अच्छे से हमने क्रश कर लेते हैं। और इसके अंदर में हमने डालना है ये नारियल बरूदा, ये मैंने एक बाउल लिया है। अगर वजन में देखें तो ये 50 ग्राम है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। ठीक है, हमने अच्छे से नारियल को मिक्स कर लिया है और इसके अंदर में हमने डालना है ये चीनी बूरा। तो मैं यहाँ पर ये बूरा इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अंदर में डालना है हमने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। साथ ही हमने लेना है कुछ ये ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश और ये चिरौंजी। ये मैंने बादाम को काट लिया है, बारीक चॉप किया हुआ है और इसके अंदर में हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे हमारी जो गुजिया है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। देखिए, हमने मावा को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको रखते हैं साइड में और बनाते हैं इसकी गुजिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी गुजिया बनानी। देखिए, मावा हमारा तैयार हो गया है और ये हमने अपना डो चेक करते हैं तो डो हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसे थोड़ा सा मैं और घोल देती हूँ हल्के हाथ से। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया चिकना हमारा डो तैयार हो गया है। तो इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे जैसे कि हमने अपनी गुजिया बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पेड़े को तोड़ लेती हूँ। देखिए, पेड़े हमने बना लिए हैं और इसको हमने एक पूड़ी के आकार में बेलना है। और अगर आपकी पूड़ी गोल नहीं बन रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने इसको एक सांची में बनाएंगे जो कि गुजिया का स्टैंड होता है उसी से हमने बनाना है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से पूड़ियाँ बेल ली हैं। ये ज़्यादा नहीं पतली है, ज़्यादा नहीं मोटी है, नॉर्मल पूड़ी की तरह हमने बेली है। पूड़ी से थोड़ी सी पतली है और इसको हमने इस प्लेट में लगाना है। सारी पूड़ियाँ हमने ऐसे ही बेलना है सारी। देखिए, हमने अपनी पूड़ियों को बेल लिया है और ये अब बनाएंगे हम इसकी गुजिया। तो यहाँ पर मैंने ये गुजिया का स्टैंड लिया है, साँचा है। तो ये इसके ऊपर हमने पूड़ी को रखना है इस तरह से कि बिल्कुल इसको कवर करना होता है और इसको हल्का सा ऐसे मतलब मोड़ देना है जिससे कि हमारे जो मावा है वो अच्छे से स्टक होगा। तो यहाँ पर मैंने ये 1.5 चम्मच इसके अंदर में मावा डाल रही हूँ क्योंकि हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो ये देखिए, हमने इसके अंदर में अच्छे से डाल दिया है और इसे अच्छे से साइडों से दबा के अंदर रखना है। अगर ये साइड पे आ गया ना तो आपकी गुजिया खुल जाएगी जब आप फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर में हमने लगाना है साइड पे पानी। आप चाहें तो इसके अंदर में मैदा डाल के एक बैटर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये नॉर्मल पानी लगा रही हूँ
तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको किनारी पे लगा दिया है पानी, तो इससे हमने बंद करना है और इसको ऐसे करके प्रेस करना है। और ये जो जितना एक्स्ट्रा हमारी पूड़ी का जो डो है, आटा है, उसको निकाल देते हैं साइड से। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी गुजिया बन गई है और ये अंदर से है। और इसको मैं खोल के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया बेहतरीन सी हमारी गुजिया बन के निकल के आई है बाहर, देख सकते हैं। इसी तरह से हमने सारी गुजिया तैयार करनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चलिए इसको हमने इसी तरह से सारी गुजिया तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में हमने फ्राई करनी है। तो ये देखिए मैं दूसरी गुजिया बना के दिखा रही हूँ आपके लिए। इसको भी हमने सेम जैसे हमने ये बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। डेढ़ चम्मच हमने इसमें ये मिक्सर रख लिया है मावा का, और इसमें लगाना है पानी साइड से। और ये देखिए इस तरह से हमने बंद करा, और ये बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर ये आप हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब इसे इससे बनाते हैं, सांचे से बनाते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आराम से बन जाती है गुजिया। देखिए हमारी गुजिया बन गई हैं और मैं इसको फ्राई करने चल रही है। तो चलिए इसको, देखिए हमारी गुजिया बन गई हैं और इसको चलते हैं फ्राई करने। तो चलिए फ्राई करते हैं इसको। देखिए गुजिया फ्राई करने के लिए मैंने ये ऑयल को पहले से गर्म करने रख दिया था, तो इसके अंदर में हमने डाली है ये गुजिया, इससे हमारी गुजिया फ्राई होंगी, बहुत ही मज़ेदार सी गुजिया फ्राई होंगी। ऑयल को ज़्यादा तेज़ ऑयल में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो एकदम से ये लाल हो जाएंगी। तो ये तेज़ है गरम, और मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है, जिससे कि हमारी जो गुजिया है वो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगी, बहुत ही मज़ेदार हमारी गुजिया बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैंने गुजिया डाल दी, और इसको हमने अभी नहीं छेड़ना है, नहीं तो ये गुजिया हमारी टूट जाएंगी। तो इसको पहले थोड़ा सा सिकने देती है, उसके बाद ही हमने इसको पलटना है। तो यहाँ पे इस कम से कम 5-6 गुजियाँ अच्छे से आ गई हैं, ऑयल मैंने अच्छे से कढ़ाई में लिया था। तो देखिए गुजिया को हम हल्के हाथ से पलट देते हैं, और ये बहुत ही हल्के हाथ से पलटना है, जिससे कि हमारी जो गुजिया है वो टूटेगी नहीं। तो काफ़ी अच्छे से ये फूल चुकी हैं, इसको हमें हल्के हाथ से पलटना है, तो इसको गोल्डन होने तक इसको हमने पकाना है। देखिए हमारी गुजिया अच्छे से फ्राई हो गई है, और इसको मैं निकालने लगी हूँ, देख सकती है कितना सुंदर कलर आया है, गोल्डन कलर, इससे ज़्यादा हमने और लाल नहीं करनी है। तो ये हमने निकाल लेना है, बाकी की गुजिया भी हमने फ्राई करेंगे, हमने बाकी की भी गुजिया इसी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए हमारी सारी गुजिया फ्राई हो गई है, और गैस को मैं बंद कर रही हूँ, चलिए इसको निकाल लेते हैं। देखिए हमारी गुजिया फ्राई हो गई है, और देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई है, और ये देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर कलर आया है, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो ये गुजिया मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि हमारी जो गुजिया है कितने अच्छे से क्रिस्पी बनी है। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त गुजिया बनी है, ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मावा भरा हुआ है मैंने। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी गुजिया की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।